चुका है, अब इसमें फिलहाल दूध डाल रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अनीस आनंद ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे गाजर का हलवा का मेकिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। अभी उसको मतलब मेन मेन से क्रश करूंगा, तो आइए आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा गाजर, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से धो के छील चुके हैं। अब इसके मदद से इसको क्रश करेंगे। तो देखिए अब इसको ऐसे क्रश करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रश करके रख चुके हैं, सबको क्रश करना है। देख सकते हो कैसे निकल रहा है, ये क्रश हो जाएगा तब फिर हमारा गाजर का हलवा। तो चलिए फिलहाल इसे क्रश करते हैं। सकते हैं ये रहा शुद्ध घी है, अब इसको इसमें डाल देंगे। और ये कुछ देर में अब ये जब अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा तब फिर इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये रहा किशमिश, अब इसको इस तेल में किशमिश को डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो चलिए अब फिलहाल किशमिश को फ्राई करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे किशमिश को फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब ये देखिए ये रहा बादाम, अब बादाम को फ्राई करेंगे। तो चलिए अब बादाम को फ्राई होने देते हैं। यहाँ पे बादाम फ्राई हो चुका है, अब बादाम को भी निकाल देते हैं। आज का एकदम मस्त गाजर हलवा बनने वाला है। तो देखिए यहाँ बादाम भी फ्राई हो गया, अब है काजू का बारी। तो गाइज ये रहा काजू, अब काजू को फ्राई करेंगे। तो चलिए काजू इसमें डालते हैं। देखिए अब काजू को यहाँ फ्राई कर रहे हैं। गाइज देख सकते हैं यहाँ पे काजू भी फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा और घी जा रहा है। अब इसमें हमारा देखिए यहाँ पे जो गाजर था वो भी एकदम क्रश होके तैयार है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है, देख सकते हो। ये रहा हमारा गाजर, अब वहाँ पे वो गर्म हो रहा है, उसके बाद घी जब गर्म हो जाएगा तब ये गाजर जाएगा। बहुत ही बेहतरीन होगा, एकदम पतला पतला सा क्रश हुआ है, दिखने में तो लाजवाब लग रहा है, रंग भी मज़ेदार। और यहाँ पे आप देखिए दूध भी मतलब गर्म हो रहा है, हल्का इस दूध को जला के कम करेंगे और फिर एकदम मस्त सा गाजर का हलवा तैयार। तो देखिए ये गाजर का क्रश किया हुआ अब इसमें जा रहा है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ खुद से गाजर का हलवा। सब चीज़ सीखना चाहिए, और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और मैं एक से एक चीज़ बनाना भी आता है। अब ये भी सोचे सीख लेते हैं, आज तक ये नहीं बनाए थे, तो चलिए आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए फिलहाल सारा गाजर इसमें डालते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा गाजर दे दिया हो, अब ऐसे इस प्रकार से चला देता हूँ ताकि जो अंदर घी था वो मिक्स हो जाए और फिर ये अच्छी तरीका से पके। तो चलिए अभी फिलहाल इसे अच्छे तरीके से चलाता हूँ। हो चुका है, अब इसमें फिलहाल दूध डाल रहे हैं। तो दूध इसमें डाल दिया, देखिए दूध डालते ही कलर ही कुछ और आ जाता है, इसका कलर ही एकदम मन को भा लेता है। तो चलिए अब इसे कुछ देर अच्छे तरीके से चलाएंगे और फिर अच्छी तरीके से पक जाएगा, तब इसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो अब हमारा ये लगभग बन के तैयार हो गया, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो देखिए अब फिलहाल ड्राई फ्रूट्स इसमें जा रहा है। तो ये हो गया जो काजू था, किशमिश ये सब जा रहा है। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स चले गए, अब इसे मिक्स कर देते हैं। अब इसे कुछ देर अच्छे तरीके से ढक के रख देते हैं ताकि सब अच्छे तरीके से पक जाए। ऑलमोस्ट ये बन के तैयार हो गया, अब थोड़ा सा इसमें चीनी जाएगा मिठास के लिए, ताकि हमारा गाजर का हलवा और भी बेहतर बन जाए। चलिए अब इसे मिक्स करते हैं। इस देख सकते हैं गाजर का हलवा तो एकदम पूरी तरह से बन के तैयार हो गया, अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। चलिए फिलहाल टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है।
बहुत जबरदस्त बना। अब तो ऐसे बनते रहेगा सीजन आएगी अब क्या। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल एक नए और मजेदार ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय।